ये हमारे फील्ड में पीपल का पेड़ है जिसे लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है। इसकी साफ़ सफाई का अभियान हम कल करेंगे। तो आपने ये देखा, तो कल हम इसी का साफ़ सफाई करने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ पहले कितना गंदा हुआ करता था। अब हमने इसके जो गंदगी को इकट्ठा करके बहुत ही साफ सुथरा करने कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग मूर्तियों को बड़े प्यार से पूजा करने के लिए अपने घरों में स्थान देते हैं और उनके खंडित होने पर उनको त्याग देते हैं, तो ऐसा ना करें। कृपया करके पीपल के वृक्ष पे कभी भी अपने जो भी देवी देवता की मूर्ति है उनको ना रखें, उससे वो और ज़्यादा दुखी होंगे। इससे बजाय आप उसको विसर्जित करें, सही मिट्टी खोद के डालें या उसको तरीके से उसको विसर्जित करें। करें उसको सही तरीके से उसका विसर्जन करें, चाहे आप मिट्टी खोद के उसको रखें या कहीं और उसको रखें तरीके से, लेकिन इस तरह से उस खंडित मूर्तियों को पेड़ पर ना फेंकें। अपने देवी देवों का अपमान न करें, तरीके से अपने जो भी है उनको सही से रखें और पेड़ की रक्षा करें। जल अवश्य दें, पेड़ हमारे भगवान हैं। आने वाले समय में वातावरण के लिए पेड़ ही का उपयोगी होगा। पेड़ ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और जिनको आप और हम शत्रु समझ बैठे हैं। इन्हीं से शुद्ध हवा, पानी, जल सब कुछ मिलेगा। जो आज गर्मी बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है। इसलिए सबसे अनुरोध है, कृपया पेड़ों की रक्षा करें, उन्हें साफ सुथरा रखें ताकि सबको शुद्ध हवा मिल सके और सब लोग बैठ सके। जय श्री राम साथियों। साथियों, आज अच्छे काम करने के लिए लोगों के पास समय कम है, लेकिन पर्यावरण में ये पेड़ भी हमारे परिवार का एक बहुमूल्य हिस्सा है। तो हमारे इनकी भी समय निकालकर समय समय पर साफ सफाई स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो अपना योगदान देना, बहुमूल्य समय देना, वो भी जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है जो दिन और रात ऑक्सीजन ही देता है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। इसलिए सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आएं और पेड़ों को बचाने में मदद करें। पेड़ों को साफ रखेंगे तो प्रदूषण को हम दूर भगाएंगे और अपने आसपास हरियाली लेकर आएंगे। पेड़ है जीवन का आधार, इनकी साफ सफाई करना हमारी है जिम्मेदारी। इसलिए हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि जब भी आप फील्ड में घूमने के लिए बाहर जाओ तो साथ में 1 लीटर पानी की बोतल भी जरूर लेकर जाओ, जिससे इन पेड़ों को पानी मिल सके। आज गर्मी का टेम्परेचर 52 डिग्री पहुँच गया है, तो जब हम लोगों को घर बैठे इतनी गर्मी लगती है तो पेड़ तो बेचारे खुले आसमान में रहते हैं, तो 1 लीटर पानी का योगदान तो हम दे ही सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कृपया करके पेड़ों को बचाएं, उनमें जल दें, उनमें भी जान होती है। पेड़ अगर आज सुरक्षित रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसी मुहिम के साथ हम लोगों ने, मैंने और मेरे बड़े भाई राम भाई ने सफाई का ये कार्यक्रम किया जो हमारे ई रिक्शा स्टैंड के पास पीपल का पेड़ है, ताकि वो साफ सफाई से और अच्छा बन सके। काफ़ी सालों से ये पेड़ बहुत गंदा था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन हमारे मन में आया तो हमने ये काम किया। तो दोस्तों, आप सभी एक साथ आ जाएंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम दो आए, दो से फिर दो बंदे जुड़े, ऐसे करते करते हम इस अच्छे काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है, पेड़ पौधों को स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं और निरंतर इस प्रयास में आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम साथी।